अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सहर्स कॉर्नर वंस अगेन। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हमारे किचन में बने हैं एग फ्राइड राइस, बट विद अ वेरी यूनिक रेसिपी, जिसमें मैंने एक दो जो है वो अपनी मर्ज़ी से इनोवेटिव चेंजेस किए हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इस तरीके से आप राइस बनाइएगा तो इसके साथ आपको किसी किस्म की एडिशनल कोई सॉस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेट्स टॉक अबाउट द इन्ग्रीडियंट्स फर्स्ट। तो इसमें आप गार्लिक ले लीजिए स्लाइस्ड, ठीक है, ये 4 से 5 क्लोव्स होंगे, ठीक है। हम इसमें चॉप और स्लाइस दोनों यूज़ करेंगे, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तिल ले लीजिए आप तकरीबन 2 टीस्पून, चॉप्ड गार्लिक है ये तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, काली मिर्च और नमक 2 टेस्ट, टमेटोज़ हैं 1/2 कप चॉप्ड, और ये पोटैटोज़ हैं 1 कप ब्लांच कर लिए थे मैंने, मटर हैं ये 1 कप, ठीक है, शिमला मिर्च है 1 कप, जूलियन कटी हुई गाजरें हैं 1 कप, 2 अंडे, और इसमें थोड़ा सा आपको ज़रदा कलर नज़र आ रहा होगा। सोया सॉस, चिली सॉस और वाइट विनेगर है, आप इनकी क्वांटिटी चेक कर लें इंग्रेडिएंट कार्ड में। बॉइल्ड राइस है मेरे पास 3 कप्स, ठीक है। ये एक ओवरव्यू, मिक्सड हर्ब्स मैं इसमें डालूँगी, बिल्कुल एंड पे स्प्रिंकल करेंगे। अच्छा, आलूओं को और मटर को मैंने हल्का सा ब्लांच कर लिया था, बिकॉज़ चाइनीज़ तो बहुत ज़्यादा रॉ और क्रंची वेजिटेबल खाते हैं, बट हमने अपना एशियन और पाकिस्तानी चरका इसको ज़रूर लगाना होता है। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। इसका जितना भी टाइम है ना, वो सिर्फ इसकी प्रेपरेशन में है, कुकिंग टाइम इसका हार्डली जो है वो 10 मिनट्स है। सबसे पहले ऑयल को गर्म करके आप एग्स को बीट करके क्रम्बल्ड फॉर्म में आप इसको फ्राई कर लीजिए, ठीक है। ये ज़रदा कलर मैंने इसलिए डाला था बिकॉज जो कॉन्टीनेंटल कुजीन है होटल्स में ना, वो इस तरह से इसमें फूड कलर ऐड करते हैं जब भी एग फ्राइड राइस वो बनाते हैं, ठीक है। सो ये होम बेस्ड कुकिंग तो है ही, बट एक्चुअली कुकिंग इज़ माय पैशन, इट्स वर्क लाइक अ थेरेपी फॉर मी, सो आई एम ऑलवेज़ हंग्री टू गेट दी ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल रेसिपी, और जैसे भी मुझे मिलती है आई सर्च फॉर इट, आई लुक फॉर इट एंड आई यूज़ टू शेयर इट विद माय व्यूअर्स, ओके। सो मेरे चैनल का मकसद है जस्ट टू एग्जीक्यूट कि आप घर पे भी बहुत ही हेल्दी स्टाइल के साथ आप प्रोफेशनल स्टाइल में कुकिंग कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट कि आप अपने लव्ड वन को होम कुक्ड इस स्टाइल में सर्व करें, जैसे उनको जस्ट फील लाइक जस्ट स्पेशल, ओके, दे शुड फील लाइक दैट दे आर स्पेशल। सो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची और नमक डाल दिया, और ये बहुत अच्छे से क्रम्बल्ड एग्स मेरे बन चुके हैं। इसको हम सेपरेट एक बाउल में करके रख लेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप 2 की तरफ। ये आप देखिए वेरी नाइस गोल्डन कलर आ चुका है। अब अगेन आप इसमें ऑयल की क्वांटिटी आप डिवाइड कर लीजिए, उसमें 3 स्टेजेस में हमें ऑयल रिक्वायर्ड है, तो ये तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। यहाँ पर हम चॉप्ड गार्लिक लेंगे, सबसे पहले गार्लिक लेंगे। अच्छा, जितनी भी चाइनीज़ कुजीन है उसमें हम गार्लिक को कुकिंग के टाइम पे रेड नहीं करते हैं, सिर्फ हमने इसको सौते करना होता है ताकि एक अच्छा सा अरोमा जो है वो ये अपना ऑयल के अंदर छोड़ दें। सो अब इसमें सबसे पहले मैं पोटैटोज़ ऐड करूँगी, इसको मैंने ब्लांच कर लिया था, आपको मैंने पहले भी बताया है, ताकि ये बहुत ज़्यादा कच्चे ना लगें। अच्छा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जूलियन क्यूब्स जिस तरह मर्ज़ी आप कटिंग करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो ये बच्चों की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों को खुश कर दिया जाए और सब्ज़ी भी खिलाई जाए, और बट एक बहुत ही टेम्पटिंग वे में। यहाँ पर हमने साथ ही मटर डाल दिए हैं इसमें, बस हार्डली 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स के लिए आप वेजिटेबल को फ्राई करते जाएंगे, और साथ साथ अपनी वेजिटेबल जो है वो 1 बाय 1 इधर ऐड करते जाएँ। तो सबसे पहले हमने डाले आलू, फिर मटर और अब गाजरें, इसको अच्छी तरह से हम सौते करेंगे, एक अच्छा सा ग्लेज देंगे, साथ ही आप इसमें शिमला मिर्चें डाल दीजिए, और अच्छा सा आपने इसको फ्राई करना है ताकि वेजिटेबल के ऊपर एक बहुत अच्छा सा ग्लेज आ जाए, शाइनी लुक आ जाए इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेजिटेबल को फ्राई कर रही हूँ, साथ ही हमने इसके अंदर सीजनिंग अब ऐड कर देनी है, नमक और काली मिर्चें, इसमें सोया सॉस भी जाएगा, तो आपने सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो काइंडली आप उसके ऊपर एक चेक रखिएगा। कुछ लोग जो हैं वो तेज़ नमक खाना पसंद करते हैं, अगर आप ओरिजिनल चाइनीज़ रेसिपी की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा फीका होता है, तो हम लोग तो उस तरह से नहीं खा सकते। तो आपने नमक कितना यूज़ करना है और सोया सॉस, इसकी बैलेंसिंग जो है वो आपके टेस्ट पर है। अब यहाँ पर मैंने नमक और काली मिर्चें डाल दी हैं, और अब मैं अच्छी तरह से इसको सौते करूँगी, और उसके बाद जो है हम इसमें अपने सारे सॉसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर टोमेटोज़ डाल दीजिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को हमने बिल्कुल एक ग्रेवी वाली लुक नहीं देनी, हमने बिल्कुल स्टेयर फ्राई इनको करना है,
क्रंची सी। विनेगर यूज़ करने का मकसद है, एक तो आपके चावल का दाना बिल्कुल अलग अलग रहता है और दूसरा आपके वेजिटेबल का कलर ख़राब नहीं होता। सोया सॉस ऐड कर दीजिए और साथ ही इसमें चिली सॉस आप ऐड करके बहुत अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि वाइट विनेगर अगर आप चावलों में बॉइलिंग के वक्त या वेजिटेबल में भी आप एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग ऐड करते हैं तो ये उनके कलर को बिल्कुल फ्रेश रखता है और उनका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और ये आप देख सकते हैं बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त किचन में। ये वेजिटेबल अगर आप स्टेक्स के साथ या मैश पोटैटोस के साथ इस तरह भी स्टेज पे भी सर्व करना चाहें तो वो एक और आपकी डिश बन जाती है। हरा धनिया बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे अपने हर खाने में जिसमें पॉसिबल हो तो धनिया पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ भी डाला है बिकॉज मेरे पास स्प्रिंग अनियंस नहीं अवेलेबल थे, वरना स्प्रिंग अनियंस चलते हैं। सो अब यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, जितनी सीजनिंग हमने ऐड की थी वो इनके अंदर पेनिट्रेट हो चुकी है। सो इट्स टाइम टू ऐड राइस। 3 कप्स ये बॉइल्ड राइस हैं और इसमें अब मैं राइस शामिल करूँगी। आप देख सकते हैं कि एक एक दाना जो है वो चावलों का बिल्कुल अलग है क्योंकि मैंने बॉइलिंग के टाइम पे ही विनेगर ऐड किया था और बिल्कुल वाइट कलर है इनका, दूधिया सफ़ेद रंग के चावल हैं, बिल्कुल भी येलोइश नहीं हुए। सो इट्स अ टिप कि आप जब भी राइस बनाएं, बॉइल्ड राइस बनाएं, तो उसमें आप 1 चम्मच या अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उसमें आप वाइट विनेगर ऐड करें तो वो बहुत ज़्यादा वाइट बनते हैं और बिखरे बिखरे बनते हैं। अब सिर्फ आपने बहुत अच्छी तरह से इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि चावल का जो दाना है वो टूटे नहीं। और अब इस स्टेज पर अब आप अपने जो एग्स को हमने अलग करके रखा था वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। अब बात करें अगर के जो बिल्कुल नॉर्मल यूजुअली हम फ्राइड राइस बनाते हैं तो दे आर रेडी, बट आपको याद होगा कि एट द बिगिनिंग मैंने स्लाइस्ड गार्लिक और तिल आपको दिखाए थे। उसका क्या मकसद है मैं आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ पर अपनी मिक्स्ड हर्ब्स को शामिल कर लें, ठीक है। ये वाला स्टेप जो है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है। इसमें आपने ऑयल यूजुअली जो है वो तिलों का तेल, मैं भी इस वक्त तिल का तेल इसमें शामिल कर रही हूँ। ये वो सीक्रेट हैक है चाइनीज़ रेस्टोरेंट का जो कि शायद वो दिखाते नहीं हैं। यहाँ पर आपने गार्लिक के स्लाइस को बिल्कुल रेडिश गोल्डन रेडिश कलर दे देना है और स्टोव ऑफ करने के बाद आपने इसमें तेल डालने हैं। मैं चूल्हा बिल्कुल बंद कर चुकी हूँ इस वक्त, सिर्फ जो ऑयल गर्म है वो है। तो जैसे हम अपने एशियन खानों में तड़का लगाते हैं ना, अब आपने इसको ऑन द टॉप ऑफ राइस इसको आपने डाल देना है। आप यकीन कीजिए ये स्टेप आप करके देखिए, बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट आपको आएगा, बहुत यम्मी। नाउ दे आर रेडी टू बी सर्व्ड। इसको आप रायते के साथ खा सकते हैं, इसके साथ आप जो हैं वो चिकन बोनलेस चिकन करी बना सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप जो हैं अपने घर में ही कॉन्टिनेंटल और प्रोफेशनल स्टाइल की कुकिंग करना चाहते हैं सो स्टे कनेक्टेड स्टे ट्यून। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।